हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ के ऊपर। अपनी पिछली क्लास में हमने समझा था किस प्रकार से जो अवस्था परिवर्तन है वो किया जाता है पदार्थों में, और हमने देखा था एक ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमने उस पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव को समझा था। हमने ये देखा था कि जब किसी ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तो जिस तापमान पर वो अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेता है, यानी जिस तापमान पर वो ठोस से द्रव अवस्था में आ जाता है, हम उसे उसका गलनांक कहते हैं। इसके अलावा हमने ये समझा था कि जो ऊष्मा है, यहाँ पर एक गुप्त ऊष्मा होती है इस पूरी प्रक्रिया में, जिसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये गुप्त ऊष्मा क्या कार्य करती है, जब ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा होता है अपने गलनांक पर, ये क्या करती है, उसको जब तक ठोस द्रव अवस्था में पूरी तरीके से परिवर्तित नहीं हो जाता है, तब तक हम देखते हैं कि ये ऊष्मा काम करती है, मतलब कि जो निकाय का जो तापमान है वो बढ़ता नहीं है, वो इस प्रक्रिया में कॉन्स्टेंट रहता है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में इन दोनों पॉइंट्स को समझा था, ये प्रक्रिया देखी थी कि तापमान परिवर्तन पर ठोसों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम इसके बाद की बात को समझेंगे। आज हम देखेंगे कि द्रवों पर जब हम तापमान परिवर्तन करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही हम दाब परिवर्तन के प्रभाव को भी आज देखेंगे, और विभिन्न विधियाँ जो हैं उनके क्या नाम होते हैं उनको भी समझेंगे, उनके डेफिनेशंस भी लिखेंगे। मैंने आपको एक पॉइंट रिमेम्बर रखने के लिए कहा था कि जो बर्फ है, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273.16 केल्विन होता है, इसको आप याद रखेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में जाते जाते संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को समझा था, तो इसकी मैं डेफिनेशन एक बार फिर से लिख ले रहा हूँ, क्योंकि हमने गुप्त ऊष्मा को समझ लिया था। ये वही है, वही बात है, बस डेफिनेशन इसकी आप किस प्रकार से लिखेंगे इसको आपको याद रखना है। आपको टेम्परेचर और जो इसके लिए जो मेजरमेंट है वो याद रखने हैं। दाब हमको कौन सा लेना है, वायुमंडलीय दाब पर। दाब हमको कौन सा लेना है, वायुमंडलीय दाब। जो हमारे वायुमंडल का दाब है, स्टैंडर्ड प्रेशर, उसको हमको लेना है, ठीक है। और कितनी मात्रा लेनी है ठोस की, 1 किलोग्राम ठोस। और कब हम ये गुप्त ऊष्मा को कब देखते थे, जब ये अपने गलनांक पर पहुंच जाती थी, 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर। और गलनांक पर पहुंचने के बाद क्या होता था, गलनांक पर पहुंचने के बाद ये ठोस जो है ये किस में पहुंच जाता था, ये द्रव अवस्था में पहुंच जाता था। तो गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी हमें, जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसे हम क्या कहते हैं, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये डेफिनेशन हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में, ठीक है, और हमने इसको अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। हमने बात की थी बर्फ के लिए, जब हम बर्फ को कन्वर्ट करते हैं तो ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी प्रसुप्त ऊष्मा यूज होती है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या फिर 273
पॉइंट सिक्सटीन डिग्री सॉरी 273.16 केल्विन पर। ठीक है, ये हमने गलनांक याद किया था बर्फ के लिए। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि द्रव पर जब हम ऊष्मीय ऊर्जा देंगे तो क्या इफेक्ट होगा। तो सिंपली मैंने जैसे कि आपको पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, पिछली क्लास में ये बात डिस्कस की थी कि जब ठोसों पर हम तापमान परिवर्तन करेंगे तो वो द्रव अवस्था में पहुंच जाएंगे, और द्रव को हम जब तापमान परिवर्तन इसमें तापमान टेम्परेचर को फिर इंक्रीज करते रहेंगे तो वो गैसीय अवस्था में पहुंच जाएंगे। अब हमने देखा जब बर्फ को जल में रूपांतरित किया गया तो वो हमने प्रोसेस पढ़ी, उसमें गलनांक को हमने समझा। अब ये द्रव अवस्था में है यानी जल है, और हम इसमें फर्दर इसका तापमान परिवर्तन करते हैं तो ये जो जल है ये क्या हो जाएगा, भाप बनकर उड़ जाएगा। मतलब ये भाप कौन सी स्टेट हो गई, ये हो गई गैसीय अवस्था। ये कौन सी अवस्था हो गई, गैसीय अवस्था। तो अब क्या समझेंगे इसमें कि जब द्रव को हम द्रव पे हम तापमान परिवर्तन करते हैं या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो गैसीय अवस्था यानी भाप बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें भी सिमिलर प्रोसेस होगी कि ये जो द्रव के कण हैं जब इनको ऊर्जा मिलेगी, अभी ये द्रव के कण बन गए थे ना, अब इनको ऊर्जा मिलेगी, हम तापमान बढ़ा रहे हैं, वो तापमान क्या करेगा, इसके कणों को गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा। जब इन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो ये कंपन करने लगेंगे, तो गतिज ऊर्जा इतनी हो जाएगी कि जो कणों के बीच का जो आकर्षण बल है ये टूट जाएगा और कण जो होंगे एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। जब कण एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे तो कुछ ऐसी स्थिति इसके बाद हमें दिखेगी, ये कण एक दूसरे से ज्यादा ज्यादा दूर हो जाएंगे। तो ऐसी अवस्था कब होती है, जब कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में होता है तो ऐसी स्थिति तब पैदा होती है। हम ये कह सकते हैं कि जो द्रव अवस्था वो गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो गई। स्टूडेंट्स, जब द्रव अवस्था जो है गैसीय अवस्था में पहुंचती है तो उस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वाष्पीकरण और इवेपराइजेशन। वाष्पीकरण में क्या होगा, आप कहेंगे वाष्पीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें द्रव अवस्था जो है वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे पदार्थ की द्रव अवस्था का गैसीय अवस्था में रूपांतरण। ओके, इंटरचेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसीय स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड इवेपराइजेशन। इसके बाद हम ये समझेंगे कि जो वाष्पीकरण है, जब हमने संगलन को समझा था, जब हम गलनांक को समझ रहे थे तो वहां पर हमें एक नई चीज मिली थी, वो थी संगलन की गुप्त ऊष्मा। यहाँ पर भी एक गुप्त ऊष्मा होती है जिसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है, ये भी सिमिलर होता है जैसे कि हमने संगलन की गुप्त ऊष्मा को समझा था। ठीक है, तो संगलन की गुप्त ऊष्मा के आधार पर इसको कैसे समझेंगे, देखिए हमने क्या किया है, हमने फर्दर हमने जब ये चेंज किया तो हम क्या करते हैं, इसमें एक थर्मामीटर को यूज करते हैं। थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, इसके टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, नीचे से हमने बर्नर जलाया हुआ है और इसके तापमान में लगातार परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होते होते ये टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ये टेम्परेचर का जो पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा और बढ़ने लगेगा, बढ़ते बढ़ते ये एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगा। वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट वो होगा जब ये द्रव अवस्था जो है भाप भाप वाली अवस्था में कन्वर्ट होने लगेगी यानी गैसीय अवस्था में कन्वर्ट होने लगेगी। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जैसे वहां पर हमने गलनांक कहा था, यहां पर हम उसे कहते हैं क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। और हम जिस पदार्थ को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जल को, तो जल के लिए ये क्वथनांक जो होता है, जल का क्वथनांक आपको याद रखना है, जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिस तापमान पर जल जो है वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस पर कि जल भाप में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको केल्विन में आपको याद रखना है, केल्विन में भी याद रखना है 373 केल्विन। तो
तो फिलहाल हम अपने पॉइंट पर आते हैं। हमने क्या किया, द्रव के जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था उसमें क्या हुआ, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हुआ एक पॉइंट आया जहां पर द्रव जो है भाप अवस्था में कन्वर्ट होने लगा। फिर से यहाँ पर क्या होता है, हम इस जगह पर आकर तापमान जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी ये टेम्परेचर का जो ग्राफ है इंक्रीज होना वो रुक जाता है। फिर हम कहेंगे कि जो हमने ऊष्मीय ऊर्जा बाहर से दी वो कहाँ गई, तो उसने अब की बार क्या काम किया, फिर से फर्दर द्रव अवस्था को गैसीय अवस्था में यानी जल को भाप में परिवर्तन कराने के लिए उसके क्वथनांक पर जो ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता हमें पड़ी वो हो जाएगी इसके क्वथनांक की प्रसुप्त ऊष्मा यानी गुप्त ऊष्मा। तो दोनों जगह गुप्त ऊष्मा प्रेजेंट होती है। कहने का मतलब है कि जब जब हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करेंगे, जब ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में या फिर द्रव अवस्था को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करेंगे, इस परिवर्तन में हमारे पास एक गुप्त ऊष्मा होगी। वो गुप्त ऊष्मा क्या काम करेगी, उसके गलनांक या फिर क्वथनांक पर उसकी अवस्था परिवर्तन करने का काम करेगी। बात समझ में आ गई। तो अभी दो बातें हमने जो यहाँ पर नए पॉइंट से सीखे, पहला तो वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कौन सी प्रक्रिया हो गई, जब हम कोई द्रव अवस्था को गैसीय अवस्था में रूपांतरण, जल को जब भाप में कन्वर्ट किया जाता है तो वो प्रक्रिया हो गई वाष्पीकरण। इसके बाद हमने सीखा क्वथनांक। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो आप ये कहेंगे क्वथनांक क्या होगा, तो वह तापमान और दाब यहाँ पर जो है इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये लाइन लिखनी है क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये हमारी स्टैंडर्ड रीडिंग होती है। ये सारी बातें जो है प्रयोगों पर आधारित है और प्रयोगों के लिए हमको स्टैंडर्ड मान जो क्वांटिटीज हैं, फिजिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कॉन्स्टेंट रखना होता है। तो वायुमंडलीय दाब हम ले रहे हैं, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान है, वह तापमान वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान कॉमा जिस पर द्रव उबलने लगता है। ठीक है, आप घर में अगर ये प्रैक्टिकल करेंगे तो एक स्टेट ऐसी आएगी पानी जब होगा पहले गर्म होगा, गर्म होगा और फिर वो उबलने लगेगा, उबलने लगता है कॉमा क्या कहलाता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। ओके, जल के लिए जो उसका क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। ठीक है, याद रहेगी ये बात। ओके गुड। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ से क्या होगा, जो जल होगा वो भाप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या फिर ससुप्त ऊष्मा को भी समझा। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो संगलन की गुप्त ऊष्मा, जैसे आपने लिखा था ऐसे यहाँ पर आ जाएगी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, इसमें आप वही पॉइंट लिखेंगे वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, स्टैंडर्ड आपको याद रखने हैं वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर उसके गैसीय अवस्था में या फिर भाप में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ठोस अवस्था को हम क्या करेंगे, जब ठोस अवस्था को हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या फिर इसको ऊष्मा प्रदान करेंगे, तो
तो ये क्या हो जाएगा, ये द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। और जब हम इस द्रव अवस्था का भी तापमान, इसको भी ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अब इसका अपोजिट आप देखिए, अगर मैं क्या करूं, गैस को ठंडा करूं, यानी जो भाप बन रही है उसको ठंडा करूं, तो इसके अपोजिट हो जाएगा प्रक्रम, वो गैस जो है वापस द्रव बन जाएगी। और मैं इस जो पानी है इसको फ्रिज में रख दूं या फिर इसको और ठंडे टेम्परेचर पर लेके जाऊं, तो ये वापस से बर्फ बन जाएगा, यानी ठोस। तो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, बर्फ को आप पिघलाइए, इसको गर्म कीजिए तो पानी बनेगा, जल बनेगा, और पानी को आप और गर्म कीजिए तो ये भाप बन जाएगा। फिर आप उस भाप को क्या कीजिए, ठंडा कीजिए तो पानी बन जाएगा वापस, और उस पानी को आप और कम टेम्परेचर पे लेके जाइए तो वो बर्फ बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल, जिसमें हमने ये देखा कि तापमान बदलकर पदार्थ की एक अवस्था को हमने दूसरी अवस्था में बदल जाती है। अब आपको यहाँ पर एक प्रोसेस याद रखनी है, और वो प्रोसेस जो है उस प्रोसेस का नाम है ऊर्ध्वपातन। उस प्रोसेस का नाम है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन एक प्रक्रिया है स्टूडेंट्स। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में क्या होता है, अभी अभी हमने समझा कि ठोस को मैं तापमान परिवर्तन करूंगा तो वो गैस बने, सॉरी द्रव बनेगा, और द्रव बनने के बाद क्या होगा, फिर से मैं उसमें अगर ऊष्मा प्रदान करूं, उसमें तापमान परिवर्तन करते रहूं, तो वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन एक प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें ठोस अवस्था को तापमान मिला और वो सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया, मतलब कि ये बीच वाला जो द्रव अवस्था था वो उसमें नहीं आई। जब जब ऐसा होगा, जो जो पदार्थ ऐसा काम करेगा, मतलब कि उसका तापमान बढ़ाया और उसने द्रव अवस्था प्राप्त किए बिना सीधे गैसीय अवस्था प्राप्त कर ली, जब जब ये प्रक्रिया होगी, हम इस प्रक्रिया को नाम देंगे उदाहरण, सॉरी ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो इसका आप डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन में हम ये लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यह है डेफिनेशन ऊर्ध्वपातन की। और कौन से पदार्थ हैं ऐसे, तो जो इसका उदाहरण है वो आपके घर में अगर कपूर है तो कपूर पे आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जो कपूर होता है वो आप जब उसे ऊष्मा देंगे तो वो सीधे सीधे क्या होगा, गैस बनकर उड़ जाएगा, यानी कि द्रव अवस्था में वो नहीं परिवर्तित होता है। तो स्टूडेंट्स, इतना सब कुछ हमने समझा अपनी पिछली क्लासेस में और आज की क्लास में। ये जो भी हमने समझा ये तापमान परिवर्तन का प्रभाव है। अब अपनी अगली क्लास में हम समझेंगे कि
दाब परिवर्तन का वस्तुओं पर यानी पदार्थों पर दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो इसको समझने से पहले मैं आपको इतनी सी हिंट दे देता हूँ जिससे कि आपको अगली क्लास में इसको समझने में थोड़ा आसानी होगी। दाब मतलब प्रेशर, अप्लाई प्रेशर, और प्रेशर का मतलब सीधे सीधे अगर सीधी भाषा में बोलूँ तो दबाना। जब हम किसी चीज को दबाते हैं यानी कि उस पर बल लगाते हैं तो इसे हम दाब कहते हैं। ठीक है, दाब जो है एक किसी क्षेत्रफल पर, विशेष क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। यहाँ पर दाब से हमको ये सारी चीजें नहीं समझनी है, हमको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, दाब का मतलब दबाना। जब मैं क्या करूंगा, किसी वस्तु के सॉरी किसी पदार्थ पर दाब यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो उसके कण जो होंगे वो नजदीक आ जाएंगे। हमने देखा था जब हम तापमान में परिवर्तन कर रहे थे, जब हम ऊष्मा प्रदान कर रहे थे कणों को, तो कण क्या हो रहे थे, कण गतिज ऊर्जा प्राप्त कर ले रहे थे, गतिज ऊर्जा प्राप्त कर स्वतंत्र गति करने लगते थे, स्वतंत्र गति करने लग रहे थे। ठीक है, अपनी स्थिति से, अपनी जो पोजीशन है उनकी, उसको छोड़ करके, अपने जो उनको फिक्स प्लेस दिया गया है, जो उनको नियत स्थान दिया गया है, उसको छोड़ करके वो दूसरी जगह स्वतंत्र गति करने लग रहे थे। लेकिन जब मैं उन पर दाब आरोपित करूंगा, तापमान नहीं, अब की बार में दाब आरोपित करूंगा, तो कण क्या होंगे, वो कण या तो संपीड़ित होंगे, संपीड़ित मतलब अगर मैं उनको दबाऊंगा तो वो नजदीक आएंगे या फिर वो दूर दूर जाएंगे। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस हो सकती है। अभी आप इतनी बात को दिमाग में रखिए, आज का समय हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो अपनी अगली क्लास के लिए मैं जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ वो है दाब परिवर्तन का पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्या समझा, आज की क्लास में हमने ये समझा तापमान परिवर्तन का वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने गलनांक और क्वथनांक को समझा। गलनांक और क्वथनांक के अलावा हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को समझा। हमने ये समझा कि पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में यानी ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में किस प्रकार से रूपांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा द्रव गैसीय अवस्था को द्रव अवस्था और द्रव अवस्था को वापस ठोस अवस्था में किस प्रकार से रूपांतरित किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, जो बातें आपको याद रखने के लिए कही गई हैं यानी कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.16 केल्विन, और जल का जो क्वथनांक है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। इनको आप याद रखेंगे, आगे आने वाले जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, आगे आने वाले हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो इस पर आधारित होंगे। आपको केल्विन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये किस प्रकार से करते हैं, इनको हम अपनी क्लास में समझे अगली क्लास में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज जो भी बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।